हमारी न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप सभी के लिए अपनी ड्रेस का लुक लेकर आई हूँ आप सभी के बीच। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी ड्रेस के बारे में बताऊंगी कि मेरे पास कितनी स्टिचिंग ड्रेस रखी हुई है और कितनी अनस्टिच ड्रेस रखी हुई है। उसी के साथ साथ गाइस, मैं आप सभी को एक बात और बोलूंगी कि अगर जो हमारे चैनल पे हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज 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 हमारे को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। उसी के साथ साथ गाइस, कुछ फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब पे ऐसे हैं जो हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो तो जरूर देखते हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और ताकि आपको हमारी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आए और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहे। तो गाइज, आज मैं आप सभी को अपनी इंडियन ड्रेस का ड्रेस दिखाऊंगी कि मेरे पास कितनी अनस्टिच और कितनी स्टिच ड्रेसिंग रखी हुई है। उसी के साथ साथ मैं आप सभी को अपना हैंडबैग कलेक्शन भी दिखाऊंगी क्योंकि मेरे कितने बैग्स हैं, हैंडबैग्स जो मैं वेस्टर्न और इंडियन ड्रेस के साथ वेयर करती हूँ। तो मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहे और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रेस जो मैं आप सभी के वो दिखाऊंगी। आप सभी को मैं जो ड्रेस दिखाऊंगी तो मेरी तो फर्स्ट ड्रेस मेरी ये है गाइस। आप सभी देख रहे होंगे, आप सभी ने देखा होगा आजकल शरारा चल रहा है, तो शरारे के अकॉर्डिंग मैंने ये वाली ड्रेस ली थी। और इसमें आप सभी ने देखा है कि ये बिल्कुल शॉर्ट्स है और मतलब कंफर्टेबल है। उसी के साथ साथ इसके नीचे पूरा शरारा, पूरा घेर वाला शरारा है, ये देखिए पूरा घेर वाला शरारा है। तो मेरी फर्स्ट ड्रेस ये है जो मैंने एक बार पहनी होगी मुश्किल से, उसके बाद मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि एक्चुअली मेरी शादी जो है ना वो जून में हुई थी 2021 में। तो हमने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है वो करी है मार्च एंड में। तो मैंने इसमें से ये वाली ड्रेस जो है एक बार पहनी है, बट अगर मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू व्लॉगिंग करते रहे तो आगे जब मैं ये ड्रेस डालूंगी तो उसका व्लॉग आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड सेकेंड ड्रेस पे चलते हैं गाइस। सेकेंड ड्रेस जो है वो है मेरी गाउन। ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा नीचे से फर वाला गाउन है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार भी नहीं पहना है। ये ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये सेकेंड ड्रेस जो है मेरी गाउन है जो कि मैं अगर जब भी ये पहनूंगी तो आपको इसका लुक दिखाऊंगी। हालांकि गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी के लिए इंडियन के साथ साथ वेस्टर्न भी ड्रेस का लुक लेकर आऊं कि मेरे पास वेस्टर्न ड्रेस के कितने कलेक्शन हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आप सभी के लिए वेस्टर्न ड्रेस कलेक्शन भी लेकर आऊंगी। तो सेकेंड ड्रेस गाइस, ये मेरा गाउन हो गया, आप सभी ने देखा है ये बिल्कुल सिंपल है, आगे से बिल्कुल स्लीवलेस है और पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। जब भी मैं पहनूंगी तो इसकी वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगी। एंड गाइस, थर्ड ड्रेस पे चलते हैं। तो गाइस, थर्ड ड्रेस जो है ये भी मेरे पास गाउन है। तो ये आगे से देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल है, ना कोई इस पर लुक है, सिर्फ आगे ये बटन्स लगाए हुए हैं। उसी के साथ साथ ये स्लीवलेस है, मतलब आप सभी को पता है विंटर्स है, विंटर्स में अगर कहीं कोई पार्टी हो या कहीं भी जैसे छोटा मोटा फंक्शन हो तो उसमें हम स्लीवलेस पहनना ही सबसे बेटर समझते हैं। तो ये मेरे पास स्लीवलेस गाउन है जो मैंने एक बार भी नहीं पहना है। तो ये भी पहनेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलते हैं आप फोर्थ ड्रेस की तरफ। तो फोर्थ ड्रेस में गाइस, मेरे पास मैंने एक्चुअली ये मेरे पास अनस्टिच सूट है जो कि मैंने स्टिच नहीं करवाया है, बट इसमें जो है आप सभी देख रहे होंगे कि गला जो है, यानी जो मतलब इसमें गला है वो बना हुआ है। अगर वीडियो में क्लियर नहीं आ पा रहा होगा तो ये देखिए, इसमें गला जो है ये बना हुआ है, बस इसको स्टिच करवाना है साइड से। तो मेरे पास ये
रेड कलर का पूरा बहुत प्लाजो सूट पड़ा हुआ है। ये वाला सूट मेरे भैया ने मुझे दिया था अभी लास्ट टाइम जब मैं राखी पे गई थी, तो उसके बाद मुझे ये सिलवाना ही नहीं हुआ क्योंकि कहीं आना जाना होता नहीं है। बट जब भी मैं इसे सिलवाऊंगी तो आपको इसका भी लुक दिखाऊंगी। और उसी के साथ साथ इसके नीचे जो है सिला सिलाया प्लाजो है घेर वाला, और इसकी चुन्नी भी बड़ी हैवी है, तो बहुत ही प्यारा सूट है गाइस ये वाला भी। तो गाइस ये मेरी होगी फोर्थ ड्रेस। तो अब चलते हैं फिफ्थ ड्रेस की तरफ। तो गाइस ये वाली ड्रेस जो है ये भी मेरा शरारा सूट है, बहुत हैवी है और बहुत, उसी के साथ साथ अगर मैं ये पहनूंगी, मैंने इसे ऑलमोस्ट दो बार पहना है, उसके बाद मैंने नहीं पहना है क्योंकि दो बार ही मेरा पहनना हुआ क्योंकि हैवी है, इस करके मैं पहनना ज़्यादा पसंद नहीं करती। और मैंने इसे सर्दियों में ही यानी समर में ही डाला था, तो मैं उस टाइम इसके साथ अपनी फ़ोटो नहीं ले पाई। बट आगे अगर मैं इसे पहनूंगी तो फिफ्थ ड्रेस जो है वो ये है। और इसी के साथ साथ इसके नीचे जो है आप सभी ने देखा है घेर वाला पूरा जो है, इसमें स्कर्ट की भी लुक आ रही है और प्लाजो की भी लुक आ रही है। तो इसमें ये पूरा घेर वाला जो है प्लाजो भी है, और देखा जाए सामने से तो ये स्कर्ट की तरह लगता है। तो ये मेरी फिफ्थ ड्रेस हो गई गाइस आप सभी के सामने। मैंने जितनी भी ड्रेस दिखाई है, अगर आपको इसमें से कोई भी ड्रेस पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे पहन के दिखाऊँ, तो मैं गाइस आप सभी को पहन के भी दिखाऊंगी और उसका ब्लॉग भी लेकर आऊंगी। तो चलते हैं अब आगे अपनी सिक्स्थ ड्रेस की तरफ। तो गाइस सिक्स्थ ड्रेस में मेरे पास जो है ये वाला गाउन है जो आप सभी देख रहे होंगे, ये लॉन्ग गाउन है पूरा, और ये बिल्कुल हाई नेक है, ये पूरा ऊपर तक बंद हो जाएगा। इसमें कोई भी नेकलेस डालने की ज़रूरत नहीं है, बस कानों में इयररिंग्स ही डालने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कॉलर है, कॉलर पे ऑलरेडी गोल्डन कलर की कढ़ाई हो रखी है और ये कॉलर वाला मेरा गाउन है और इसमें आगे पूरी चैल लगी हुई है, तो उसका अलग ही लुक आता है। तो ये मेरी होगी सिक्स्थ ड्रेस। तो ये भी मेरा गाउन है, मैंने सिर्फ ये एक दो बार ही पहना है, उसके बाद मैंने नहीं पहना। तो इसके नीचे जो है वो प्लेन रेड कलर का प्लाजो है, ये प्लेन रेड कलर का प्लाजो है और नीचे लेस लगी हुई है गोल्डन कलर की। तो ये भी मेरा जो है बहुत ही प्यारा सूट है। तो मैं जब भी पहनूंगी तो मैं आपको यही कह रही हूँ बार बार कि मैं जब भी पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो गाइस एक दिन मैं ऐसा करूंगी कि आपके लिए को इन सारी ड्रेस में से एक ड्रेस पहन के आपको उसका ब्लॉग दिखाऊंगी। बट आप भी ज़रूर बताना कि इन सारी ड्रेस में से मैं कौन सी ड्रेस पहनूँ। तो ये मेरी सिक्स्थ ड्रेस हो चुकी है गाइस। अब चलते हैं सेवन्थ ड्रेस की तरफ। तो सेवन ड्रेस में फिर से मेरे पास गाउन आ गया। ये बहुत ही प्यारा गाउन है और मैंने इसमें अपनी इंस्टा आईडी पे मिस्टर एंड मिसेस लूथरा पे मैंने इस गाउन के अंदर अपनी वीडियो भी बनाई है। तो जल्दी जाइए और मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर जाके मेरी इस गाउन में वीडियो ज़रूर देखिए। ये ब्लू कलर का गाउन है और ब्लू कलर के गाउन के साथ साथ इसमें सर आप सभी ने देखा दिख रहा होगा आपको, ये सिर्फ नेक पे ही हल्की सी जो है गले के पास ही जो है थोड़ी सी गोल्डन कलर की कढ़ाई है, स्लीवलेस है और बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप समर में अगर आप चाहते हैं कि हल्का और बिल्कुल लाइट वेट गाउन वेयर करना, तो आप ऐसा गाउन खरीद भी सकते हैं। बहुत लाइट वेट है और पहनने में बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। इसका कपड़ा जो है वो बहुत ही मुलायम है, हालांकि मैंने सिर्फ वीडियो में ही इसे डाला था, बट अगर मैं कहीं पार्टी वगैरह में गई तो इसका टेक लूँगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके ऊपर जो है नेट की चुन्नी है, आप देख सकते हैं ये पूरी जो है नेट की चुन्नी है जो कि बहुत प्यारी लगेगी सिंपल गाउन के ऊपर, हैवी चुन्नी। और इस पर मैंने कुछ अलग लुक दिखाने के लिए यानी चुन्नी हैवी दिखाने के लिए मैंने इस पर सारे इसके कॉर्नर्स पे लटकन लगा दिए हैं। आपने देखे होंगे बाज़ार में मिल जाते हैं, किसी भी बाज़ार में जाओ आप चुन्नी के लेसेस या फिर लेसेस की दुकान पे कि चुन्नी पे गोटा वगैरह लगाना है, वहाँ से मैं ये लटकन लेकर आई थी गोल्डन कलर की। तो मैंने इसके चारों कोनों पर ये लटकन लगा के इस चुन्नी को हैवी कर दिया। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी जब मैं ये गाउन
पहनूंगी और रेडी होंगी तो ज़रूर इसका ब्लॉग लेकर आऊंगी आपके लिए। उसी के साथ हम चलते हैं अपनी सेवन ड्रेस के ऊपर। तो गाइस सेवन ड्रेस में मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी है जो कि मैंने मुश्किल से एक ही बार पहनी है क्योंकि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, पर मैं जितना कोशिश करूँ कि पहनूँ पर मैं नहीं पहन पाती। बट अभी मेरी कुछ महीने बाद एनिवर्सरी आने वाली है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं साड़ी पहनूँ। तो मेरे पास ये एक ही साड़ी है और जिसका कलर ऐसा है, बहुत ही प्यारा लगा था जब मैंने येलो कलर की साड़ी डाली थी तो बहुत अलग ही लुक आया था। तो मेरे पास अगर वो फ़ोटो पड़ी होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये मेरे पास सिर्फ एक साड़ी है जो कि इस कलर की है येलो, और इसके लेसेस जो है मतलब जो लेस लगी हुई है उसमें ये पिंक कलर की लगी हुई है। तो ये भी बहुत ही अच्छा लुक है साड़ी में अगर आप डालना चाहते हैं तो। सिंपल सॉवर साड़ी है बट विंटर्स में डालना नहीं हो पाता, बट समर्स में आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे बीच में मौसम पड़ता है अप्रैल तक, आप सभी को पता है कि। आगे चलते हैं अपनी एट्थ ड्रेस पे। तो आप सभी ने देखा होगा मेरा व्लॉग भूला था, सिर्फ दो बार ही डाला है मैंने ये वाला सूट क्योंकि उसके बाद डालना ही नहीं होता घर में। ये मेरा येलो कलर का बहुत ही प्यारा, आप सभी ने देखा होगा, पंजाबी लुक दिखाता है ये पूरा है। बहुत शॉर्ट्स है, नीज से ऊपर है और बहुत ही प्यारा लगता है ये सूट डालने में। ऐसा है ये सूट, इसमें पूरी बाजू पे अच्छी कढ़ाई हो रखी है, अच्छा कट दिया हुआ है बाजू पे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये सूट। और पीछे से ये बिल्कुल सिंपल है और इसके नीचे आप सभी ने देखी होगा ब्लॉग में कि इसके नीचे जो है हैवी स्कर्ट है, स्कर्ट। तो ये भी बड़ा पिंक कलर की स्कर्ट है, बहुत प्यारी स्कर्ट है, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसको भी डालो तो। तो गाइस ये मेरी एट्थ ड्रेस थी और उसके बाद गाइस अब हम दिखाएंगे आपको अपनी अनस्टिच ड्रेस जो मेरे पास अभी आई हुई है। ड्रेस मैंने कुछ ऑर्डर करी थी ऑनलाइन से और क्या कहते हैं, मेरी मम्मी अभी आई थी, आपने देखा होगा व्लॉग में, तो मेरी मम्मी को सूट लेकर आई थी। तो मैंने मतलब वो मेरे पास अभी अनस्टिच सूट पड़े हुए हैं तो अभी वो दिखाते हैं आपको। तो गाइस मैं आप सभी को अपने अनस्टिच सूट दिखाऊंगी जो मैंने इस बैग में रखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट कलर ये है ब्लू कलर, दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर है ये मेरे पास अनस्टिच सूट पड़ा हुआ है। जब मैं सिलवाऊंगी तो देखेंगे इसका कैसा लुक आता है। सेकंड सूट जो है वो मेरे पास इस कलर का पड़ा हुआ है। ये जो कलर है ये है थोड़ा लाइट पिंकिश में है, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, मतलब ये पिंक की शेड मार रहा है। तो सेकंड मेरे पास अनस्टिच सूट में ये है। तो थर्ड सूट मेरे पास ये वाला है, ये येलो कलर का सूट है। तो थर्ड सूट मेरे पास ये वाला है येलो कलर का, ये भी मैंने नहीं सिलवाया है तो ये भी मेरे पास अनस्टिच ही पड़ा हुआ है। तो देखेंगे कैसा लुक देता है ये और मैं क्या सिलवाती हूँ, स्कर्ट सिलवाती हूँ उसके नीचे प्लाजो सिलवाती हूँ या पैंट वाला बनाती हूँ, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी जब मैं ये सिलवा लूँगी सूट। और फोर्थ सूट जो है मेरे पास कुछ इस कलर का है, हैवी सा है, मतलब इस पर थोड़ी सी कढ़ाई हैवी है और मेरे पास ये कलर था भी नहीं, ये थोड़ा पर्पल शेड में है। तो मेरे पास फोर्थ ये वाला है सूट। फिफ्थ जो है मेरे पास सूट वो थोड़ा रानी कलर का है, उस पर इस कलर की कढ़ाई है, तो जब उसका गला वगैरह बना लेंगे तो इसका दिखाएंगे कि कैसा लगता है ये। तो मेरे पास अनस्टिच सूट में यही सूट है गाइस। तो अब आगे चलते हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं अपने पैंट कलेक्शन, इंडियन और वेस्टर्न। वेस्टर्न में तो मेरे पास एक ही है पर इंडियन में मेरे पास है फोर बैग्स, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मैंने एक बार भी नहीं लिया है। पहला बैग ये देखा होगा आपने, पन्नी में ही रखा हुआ है, ये थोड़ा सा मेहरून कलर का बैग है, तो ये मैंने एक बार भी नहीं लिया। तो ये जैसे कभी दूर सफ़र पे जाना है तो ये इसके अंदर आराम से कैरी करके सामान रख के जा सकते हैं। ये एक फर्स्ट बैग है। सेकेंड बैग जो है ये लहंगे वगैरह के साथ वेयर कर सकते हैं इस टाइप में। तो सेकेंड बैग मेरे पास ये वाला है इंडियन में,
एंड थर्ड बैग ये वाला है, ये भी आसानी से कैरी हो सकता है, इसमें होगा। एंड फोर्थ है ये मेरा शादी का बैग है, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं अगर कहीं भी जाती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा ये वाला ही बैग आपने देखा होगा कि कैरी करती हूँ। तो फोर्थ बैग है मेरे पास ये वाला। एंड सबसे लास्ट बैग है जो मेरा, जो मैं ऑलमोस्ट जींस वगैरह के साथ ही वेयर करती हूँ, तो वो है ये वाला। मेरे को जींस के साथ ये वाला बैग लेने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसमें मेरे जैसे काजल वगैरह जो होते हैं, लिपस्टिक वगैरह जो भी है, मेरा थोड़ा बहुत मेकअप का सामान इसमें आ जाता है, तो मैं ये वाला बैग लेना पसंद करती हूँ। उसी के साथ साथ मेरे छोटे भी हैं बैग, पर वो मैं ज़्यादा कैरी करती नहीं हूँ। आस पास के मार्केट जाना होता है तो वो छोटे वाला बैग लेकर जाती हूँ, बट अधिकतर मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये वाला बैग ही लेकर जाती हूँ। तो गाइस यही मेरे पास था जो मैंने आप सभी को अपने ड्रेस कलेक्शन दिखाए, इंडियन ड्रेस कलेक्शन। तो अगर गाइस आप चाहते हैं कि आपको मेरा वेस्टर्न ड्रेस कलेक्शन भी चाहिए, तो आप कमेंट्स में बताना, मैं आप सभी के लिए वेस्टर्न ड्रेस कलेक्शन भी लेकर आऊँगी। तो गाइस अब करते हैं ब्लॉग का एंड। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ 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 कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी इन सारी ड्रेसों में से कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। उसी के साथ साथ गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो ब्लॉग देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं और आप सभी के बीच अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहते हैं, तो मैं उसका व्लॉग आपके बीच लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।